और ये तलाक दिलवाने की धमकियां दे रही हैं, हाथ उठाने की कोशिश कर रही हैं और मैं चुप करके खड़ी रहूं। होंगी ये यासिर के रिश्तेदार, वो करते होंगे इनका लिहाज, मैं नहीं डरती आपसे। हमारे यासिर को कोई लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, लड़कियों की कमी तो यासिर को वाकई नहीं है, क्योंकि इस घर में जो आपकी बेटी रहती है ना, वो यासिर के आगे पीछे घूम मत करो अपना। ज़बान खींच लूंगी तो मेरी बेटी का नाम लिया तो। कैसी बातें कर रही हो, पूछ लो। अलिश्बा रुक जाओ, खुदा के लिए, पहले इतना तमाशा हो रहा है। मैं तमाशा कर रही हूँ मुंतहा? इस घर में जिसका जो दिल चाहता है ना, मुंह फाड़ के बोलता है। और ये तलाक दिलवाने की धमकियां दे रही हैं, हाथ उठाने की कोशिश कर रही हैं और मैं चुप करके खड़ी रहूं। होंगी ये यासिर के रिश्तेदार, वो करते होंगे इनका लिहाज, मैं नहीं डरती आपसे। यतीम नहीं हूं मैं अभी, मेरे अब्बू ना भी जिंदा हैं। फोन करके बुलाऊंगी ना तो बताएंगे आपको। मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है। पहलेश्बा की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन पापा आपने गलत किया। तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है मुंता, दूसरों के मामले में दखलअंदाजी मत किया करो। अब चलो ऊपर। अयान, मैं तो बस। चलो ऊपर। बड़ी खुशकिस्मत है साजिदा, क्या सुलझी हुई और ताबेदार बहू मिली है। बदतमीज लड़की।